दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। दोस्तों इंग्लिश के सेशन में आज आप करने जा रहे हैं पोल्यूशन। पोल्यूशन पर एक शॉर्ट पैराग्राफ जिसे सबसे पहले इंग्लिश की रीडिंग की जाएगी, उसके बाद प्रत्येक लाइन की आपको मीनिंग और इसका अर्थ समझाया जाएगा। पोल्यूशन एक ऐसी समस्या जो पूरे वर्ल्ड में एक विकट बन चुकी है और दिन प्रतिदिन यह समस्या और भी बढ़ती ही जा रही है। इस समस्या के कारण बहुत सारी बीमारियों को जन्म दे चुके हैं और ये समस्या हम लोगों द्वारा उत्पन्न की गई है जो हमें ही आज परेशान कर रही है। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले इसकी रीडिंग। वी आर लिविंग इन द एज ऑफ पोल्यूशन। एवरीथिंग अराउंड अस इज पोल्यूटेड। द एयर वी ब्रेथ इन, द फूड वी ईट, द वाटर वी ड्रिंक, ऑल आर पोल्यूटेड। बट द मोस्ट डेंजरस टाइप ऑफ पोल्यूशन टूडे इज एनवायरमेंटल पोल्यूशन। दिस इज द वर्स्ट डेंजर दैट मैन फेसेस टूडे। साइंटिस्ट एंड बायोलॉजिस्ट have listed the dangers of environmental pollution. The fallout from nuclear testing can increase the incidence of danger. Incidence of cancer. The widespread use of insecticides and nitrogen fertilizers has contaminated food and surface water. The increasing use of synthetic detergents has contaminated water supplies. Thus, environmental pollution has endangered the very existence of all forms of lives, including that of man. Thus, it was the reading of English. Now, we are going to start the Hindi of this passage, this paragraph. दोस्तों अब शुरू करते हैं इस pollution paragraph का meaning. Now, let's start the meaning of short passage. पोल्यूशन, पोल्यूशन मीन्स होता है प्रदूषण, गंदगी। एंड एज यू नो दैट देर आर थ्री टाइप्स ऑफ पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन एंड एयर पोल्यूशन। वी आर लिविंग इन एन एज ऑफ पोल्यूशन। वी आर लिविंग, हम रह रहे हैं इन एन एज, एक युग में, एक समय में ऑफ पोल्यूशन, पोल्यूशन के, हम पोल्यूशन के युग में रह रहे हैं। एवरीथिंग अराउंड अस, हमारे चारों ओर सब कुछ इज पोल्यूटेड, प्रदूषित है, हमारे चारों ओर सब कुछ प्रदूषित है। द एयर, वायु, वी ब्रेथ इन, जिसे हम ले रहे हैं, हवा जिसको हम ले रहे हैं, सांस के रूप में जिसको हम ले रहे हैं। द फूड वी ईट, खाना जिसे हम खा रहे हैं। द वाटर वी ड्रिंक, पानी जिसे हम पी रहे हैं। ऑल आर पोल्यूटेड, सब कुछ प्रदूषित है। बट द मोस्ट डेंजरस, लेकिन सबसे अधिक खतरनाक, घातक टाइप ऑफ पोल्यूशन, जो प्रकार है प्रदूषण का, टुडे इज, आज के युग में, आज एनवायरमेंटल पोल्यूशन, वातावरण का पोल्यूशन है। लेकिन सबसे घातक आज के समय में जो प्रदूषण है वो वातावरण प्रदूषण है, वायु प्रदूषण, वायुमंडलीय प्रदूषण जिसे कह सकते हैं। दिस इज द वर्स्ट, वर्स्ट मीन्स होता है सबसे भयानक, सबसे बुरी स्थिति जिसकी होती है उसको कहते हैं वर्स्ट। दिस इज द वर्स्ट, ये सबसे भयानक है, डेंजरस, घातक, दैट मैन फेसेस टुडे, जिसे मनुष्य आज सामना कर रहा है। ये सबसे घातक है जिसे मनुष्य आज के समय में सामना कर रहा है, जिसका सामना कर रहे हैं। साइंटिस्ट, वैज्ञानिक एंड बायोलॉजिस्ट, और जो ये वैज्ञानिक हैं, हैव लिस्टेड, उन्होंने लिस्ट बनाई है द डेंजरस ऑफ एनवायरमेंटल पोल्यूशन, वातावरण पोल्यूशन के जो खतरे हैं उसको कई बार क्या क्या लिस्ट किया है, उसको कई बार क्या क्या बताया है। द फॉल आउट होता है लड़ना, फ्रॉम न्यूक्लियर टेस्टिंग, परमाणु की जो परमाणु होती आ रहा है उनसे लड़ना, कैन, हो सकता है, इंक्रीज, बढ़ा सकता है द इंसिडेंस ऑफ कैंसर, कैंसर के खतरे को, परमाणु हथियारों का बढ़ना या परमाणु हथियारों से लड़ना कैंसर के खतरे को बढ़ा सकता है। द वाइड स्प्रीड होता है चारों तरफ फैला हुआ। यूज ऑफ इंसेक्टिडीज मतलब जो कीटनाशक दवाई है उन सबका प्रयोग, उन सबका फैलना, एंड नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स, और नाइट्रोजन जो फर्टिलाइजर्स है, फर्टिलाइजर्स मतलब जो खाद है, हैज कंटेमिनेटेड फूड, कंटेमिनेटेड दूषित कर दिया है, प्रदूषित कर दिया है फूड, भोजन को, एंड सरफेस वाटर और पानी को। द वाइड स्प्रेड, बढ़ता हुआ प्रयोग कीटनाशक दवाइयों का, बढ़ता हुआ प्रयोग, और नाइट्रोजन खाद ने खाने और पानी को दूषित कर दिया है। द इंक्रीजिंग यूज ऑफ सिंथेटिक डिटर्जेंट, इंक्रीजिंग, बढ़ता हुआ यूज, प्रयोग सिंथेटिक डिटर्जेंट, सिंथेटिक
जो खाद जो जो डिटर्जेंट है मतलब कपड़े धोने से संबंधित, हैज कंटेमिनेटेड वाटर सप्लाईज, जो पानी की जो आपूर्ति है उसको कंटेमिनेट कर दिया, मतलब दूषित कर दिया, कंटेमिनेटेड होता है दूषित करना, प्रदूषित कर दिया है। दस इस प्रकार एनवायरमेंटल पोल्यूशन, वातावरण का जो पोल्यूशन है, वायुमंडलीय जो पोल्यूशन हैज इंडेंजर्ड द एवरी एक्सिस्टेंस ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ लिविंग इंक्लूडिंग दैट ऑफ मैन। द एनवायरमेंटल पोल्यूशन हैज एंडेंजर्ड मतलब खतरे में डाल दिया है द एवरी एक्सिस्टेंस, प्रत्येक वस्तु के अस्तित्व को, ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ लिविंग, जितनी भी जीवित वस्तुएं हैं उन सब के अस्तित्व को वातावरण के पोल्यूशन ने खतरे में डाल दिया है, इंक्लूडिंग दैट ऑफ मैन, जिसमें मनुष्य भी शामिल है। उस प्रकार की सभी जीवित वस्तुओं को वायु प्रदूषण ने खतरे में डाल दिया है। दस तो दोस्तों ये थी इस शॉर्ट पैसेज की हिंदी। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया। दोस्तों अगर समझ में आया तो अपने जो फ्रेंड सर्कल है उसमें इस शॉर्ट पैराग्राफ को, शॉर्ट पैसेज को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।